हाँ जी, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करवाऊंगी। अभी एक्स्ट्रा टाइप क्या है देखिए, इसके साथ के ट्रेपीजियम के क्वेश्चंस भी हैं, ट्रायंगल के क्वेश्चंस भी हैं। इट इज रिटन विद द वर्टेक्स, मेरे पास जो है ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दी हुई है मुझे, ए बी एंड सी। उसने कहा टेकन वर्टेक्स एज सेंटर, मेरे पास थ्री ऐसे आर्क्स जो हैं वो काटी गई, और उसने कहा कि विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितना? 5 सेंटीमीटर। ए बी मुझे दी हुई है बेटा, दैट इज 14। बी सी मुझे दिया हुआ है 48 जो है सेंटीमीटर, एंड सी ए मुझे दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये रीजन मुझे कैलकुलेट करनी है ना। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया, एक सेकेंड, ट्रायंगल कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ साइड्स ही हैं। हाँ जी, ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर दें। बिल्कुल सही है कि तीनों सेक्टर, क्योंकि अगर ये सेंटर है तो ये ऐसे सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, तो मैं तीनों सेक्टर्स को ऐड करूंगी। बट प्रॉब्लम मेरे दिमाग में ये आई, व्हाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर क्वेश्चन, यहाँ एंगल नहीं दिया मुझे सेंटर पे। बिल्कुल, जब बेटा आप जब एंगल्स कहीं नहीं दिए होते, हमें कोई इक्विलेटर ट्रायंगल थोड़ा दिया है। नव्या कह रही है मैम 60-60 ले लो, हमें इक्विलेटर ट्रायंगल ही नहीं दिया तो हम कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन फॉर्मूले से भी निकल सकती है ना, क्योंकि पहला पाइथागोरस चेक किया करो कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई तो नहीं होती, अगर नहीं होती है तो 100% हीरोन फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। वो निकालना कोई मुश्किल नहीं है, हीरोन फॉर्मूला आपको याद है, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, देन एरिया इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए। एक मिनट बेटा जी, एक मिनट, ठीक है, एरिया भी निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम सिर्फ मुझे एरिया ऑफ सेक्टर की थी, रिक्वायर्ड एरिया भी मुझे पता चल गया कि हाँ जी एरिया ऑफ ट्रायंगल में से मैं थ्री सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं। बट मैं सेक्टर का एरिया तभी निकाल सकती हूँ बेटा जब मेरे पास क्या दिया होता, एंगल्स ही होते। अब मेरे पास एंगल नहीं है, सक्षम ने बिल्कुल करेक्ट बोला कि मैम अगर मैं इसका ये एंगल थीटा वन ले लूं, इसका थीटा टू ले लूं, इसका थीटा थ्री ले लूं, जब मैं एरिया निकालूंगी पाई आर, आर तो सब में सेम है ना, रेडियस ऑफ सेक्टर काटने का 5 5 5 सब में दिया, तो मैं सीधा पाई आर स्क्वायर थीटा वन बाय 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा टू बाय 360 होगा क्या, नहीं, प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा थ्री बाय 360 हुआ। अब मैं क्या करूं, पाई 5 स्क्वायर बाय 360 सब में से क्या ले लूं, है ना, ये चल रहा है, मैं सिर्फ इसका बता रही हूं। तो मेरे पास पाई 5 स्क्वायर बाय 360 जब मैंने कॉमन लिया तो थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, अरे तीनों एंगल्स का सम एक ट्रायंगल में क्या होता है 180, यानी यहां सीधा नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह क्या लिख दोगे 180, तो सम इजी नहीं हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा ना। अच्छा, यही ऐसा क्वेश्चन ट्रेपीजियम में भी हो सकता है, आपको ये फिगर दे दी और कहा यहां इक्वल आर्क से काटा गया और वो आर्क लेंथ भी दी है, और मुझे कहा गया कि ये निकालो। अच्छा, ये भी नहीं निकालने को कहा, चलो अगर ये निकालने को कहा, सपोज वही हुआ ना, अगर मैंने इसको थीटा वन थीटा टू तो आपको समझाने के लिए लिया, अगर बेटा ट्रेपीजियम का हाफ बी इंटू एच वन प्लस बी वन प्लस बी टू इंटू एच, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू जो है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय टू। हाँ जी बिल्कुल, तो अगर मुझे ये कहा गया, अब मुझे यहाँ एरिया ट्रेपीजियम तो चाहिए नहीं, मुझे आर्क लेंथ दी हुई थी, मान लो आर,
और अगर मुझे कोई पूछे ना कि इसका एरिया कितना है शेडेड रीजन का, तो अगर मैं दिमाग लगाऊं तो पाई आर स्क्वायर नीचे 360 आना है, साथ में क्या आना है, सम ऑफ एंगल्स आना है, और वो कितना होता है 360। तो अगर कट जाए तो ये कट गया तो पाई आर स्क्वायर, मतलब ये चीज अब आपने शॉर्टकट में दिमाग में रख लेनी है कि वो पाई आर स्क्वायर बाय 360। और ऐसे क्वेश्चन में आर सेम रहता है तभी ये क्वेश्चन होगा। यानी एक तरह से हमने ये निकाल लिया कि अगर एक तीन सेक्टर्स या चार सेक्टर्स जितने भी सेक्टर कॉर्नर पॉइंट पे कटते हैं तो उनका फॉर्मूला एरिया का क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बाय 360 इनटू सम ऑफ एंगल्स। एम आई राइट? सीधा ही ड्राइव कर लिया ना एमसीक्यू के लिए, हो गया ना क्वेश्चन। ये टाइप हमारी एग्जाम्पलर में है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, बाकी तो हर क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्वेश्चन कैसा है, शेडेड रीजन कैसा है, उस पे डिपेंड कर। मेन यहाँ आके बच्चे अटकते हैं। ये टाइप सबको ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा क्लियर हो गई? 90 क्यों? अगर 90 ना भी दिया हो, थ्री एंगल इन अ ट्रायंगल का सम 180 होता, उसमें 90 दिया हो ना दिया हो, व्हाट क्या निकालना बेटा? वो तो ऑब्वियस है। अगर आपको नहीं भी दिया पाइथागोरस थ्योरम, आपको तीन साइड सही है, आप चेक कर लो ना बेटा कि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम को। अगर वो करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लो, मैंने आपको मेथड तो तुम्हें ही बता दी। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाओगे, नहीं कर रहा, अब इस केस में नहीं कर रहा था तो क्या करोगे? फिर हीरो फॉर्मूला बताया ना मैंने। समझ आई बेटा? क्लियर टू एवरीवन? तो आज हम जो क्वेश्चंस अब करेंगे, एक बार मैं सारे एमसीक्यूज एग्जाम्पलर बुक में से, ताकि ये चैप्टर एग्जाम्पलर में से कोई क्वेश्चन ना रह जाए, और वैसे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन देखे हैं वो रिपीटेड है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट लेट अस डिस्कस दैट सो दैट कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना लगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन मैं ऑरली बोलूंगी, सुनोगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन सारे डिस्कस कर चुके हैं, बस आपने आंसर देना है। सबकी टर्न आएगी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो आप लोग ध्यान से सुनोगे, ओके? जस्ट क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है एमसीक्यू में। आई विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ओके? एग्जाम्पलर बुक में से आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 11.1। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई आर वन एंड आर टू इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस कैपिटल आर, देन कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? मेरे पास ना भी ऑप्शन पता हो तो, मैंने आपको इतनी बार बता चुकी हूं। हाँ जी विवान, आर वन, देखा गलती की ना? अरे एरिया वर्ड गए, मैं बार बेटा आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू आर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, जमीन आसमान का फर्क है ऑप्शन में, क्योंकि एरिया में आंखें बंद करके मुझे लगता है अब मेरे बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए थी, ऑप्शन बिना देखे ही आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए था कि मैम ये आंसर होना चाहिए, एम आई राइट? कितनी बार करवा दे बेटा? नेक्स्ट, हाँ जी, इफ द लास्ट में बेटा लक्ष्य, इफ द सम ऑफ द जो है सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल विद रेडियाई आर वन एंड आर टू इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेडियस आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू? आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू आर, सर्कमफ्रेंस है तो सिंपल आर, दोनों को प्लस करो और इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी? नेक्स्ट बेटा मेरे पास, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मेरे पास दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन पे मैंने
मार्क भी लगवाया था आप लोगों को. लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन. देखिए सर्कमफ्रेंस 2πr, पेरीमीटर 4 × x, पाई की वैल्यू पुट कर दे. हाँ जी 4 × x, ये 4 कट गया और x की वैल्यू 11/7 r आ गई. यानी देखा जाए तो साइड जो है वो रेडियस से क्या है, बड़ी है. अब उसने कहा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन ट्रू है. यहां पर जब भी लेस देन ग्रेटर देन वाली बात होती है ना, मैं हमेशा आपको ये कहती हूं कि आप रेशियो लेके देखो. मेरे पास एरिया की बात हो रही है, एरिया ऑफ, मैं ऊपर कौन सी ले लूं, सर्कल ओवर एरिया ऑफ स्क्वायर. सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. हाँ जी पाई 22/7, आर आर स्क्वायर रहने दो और एक्स स्क्वायर मेरे पास 121/7 स्क्वायर. एक सेवन से सेवन कट गया, सेवन रह गए, ये सेवन ऊपर चले जाना. हाँ जी देखिए मेरे पास तो ये क्या बन जाना है, जब सेवन ऊपर गया तो 154/7 और इधर आर स्क्वायर भी आना था, ये कट गया. अब आप खुद बताइए इसका आंसर वन से बड़ा है, ये चीज क्वांटिटी वन से, ओ, नीचे 121 था सर, है ना, ये क्वांटिटी वन से बड़ी है. अगर ये ग्रेटर देन वन है तो एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर. बराबर तो नहीं ना हो सकता, वन के बड़ा ही है ना, तो दैट मींस हमारे पास जहां पर है कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, उस ऑप्शन को हम टिक कर दें. ना पुट करते अल्टीमेटली एंड में तो पुट करनी थी ना, तभी आप एग्जैक्ट वैल्यू चेक करते कि वो चीज वन से बड़ी है कि नहीं. ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप मैनुअली कर सकते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय प्रैक्टिस. अब जिस बच्चे ने 2 बार 3 बुक्स कर ली इस चैप्टर की, उसको तो ये क्वेश्चन ही रट जाना चाहिए ना, कि पता है अगर पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, क्या कहते हैं, इक्वल है, तो हमेशा एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा ही आएगा स्क्वायर से. ओके जी क्लियर. चलिए बेटा अब मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, अब मैंने देखना है कि आज कितने बच्चों को याद है. लेट अस सी, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल. हाँ जी, ऑफ रेडियस आर मेरे पास इस ऑप्शन दी हुई है आर स्क्वायर. हाँ जी बिल्कुल, लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, हाँ जी 1/2 आर स्क्वायर पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 2 r² और डी ऑप्शन √2 r². चलिए एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r. उस दिन भी हमने बताया था और विषम ने ये आंसर दिया था, मुझे आज भी याद है. कैसे निकाला, हाफ बेस इनटू हाइट. हाँ जी ये 90 हो गया, अगर ये लार्जेस्ट ट्रायंगल बनानी है तो ये 45, ये भी 45 है ना. तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स हो गया. हाँ जी तो मेरे पास जो है x² + x² इज इक्वल टू 4 r², क्योंकि r प्लस r 2 r हुआ, तो 2 x² इज मेरे पास क्या हो गया बेटा 4 r², ये कट गया. अब कोई जरूरत नहीं रूट में निकालने की, रीजन क्या है कि मुझे एक्स स्क्वायर ही यूज करना है, क्योंकि बिल्कुल वही लगा रही हूं. क्यों, बेस क्या है एक्स, हाइट, हाइट भी तो एक्स ही है. आप बेटा
आप इधर कैसे ले रहे हो? हाउ कैन यू आर कैलकुलेटिंग दिस? दिस इज रॉन्ग. अगर ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज बेस, दिस इज हाइट बेटा. आप ये भी तो देखो, आप गलत कैलकुलेट कर रहे हो. आप ले रहे हो, अच्छा इसको हाइट ले रहे हो और ये आप ले रहे हो बेस, वैसे ले लो वो भी ठीक है. अगर आप बेस इधर लेके और हाइट ये ले रहे थे तब मैं कह रही थी गलत है, वैसे भी ले सकते हो, डजंट मैटर, वो भी ठीक है कि ये भी आ रहा है और ये टू आ रहा है, तब भी निकाल लो आंसर. तो तब आंसर दोनों से सेम ही आना है. हाफ अगर मैं देखूं तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने टू, तब भी हाफ स्क्वायर ही आना है. ठीक है जी, क्लियर? बिल्कुल सही है तान्या का मेथड. ओके बेटा, ओ प्रिंसी का, चलो चलो आगे बेटा. नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. अब बेटा बिल्कुल सेम, अब जिस बच्चे ने अगर ये याद किया हुआ है कि अगर पेरीमीटर जो है सर्कल और स्क्वायर का इक्वल है और एरिया ऑफ सर्कल ओवर एरिया ऑफ स्क्वायर, सीधा उसने लर्न किया है 154 ओवर 121 ये होता है, तो मुझे लगता है उसको बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं एक सेकंड में, क्योंकि मुझे अभी ये पीछे मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर सर्कल और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है तो रेशियो बताओ, तो ये लर्न ही कर लो ना, इसको कटिंग कर लो, 11 वन दा, 11 फोर दा, 11 11 दा, यानी रेशियो होनी 14:11 हमेशा. हाँ जी, जैसे मर्जी हो जाए बेटा. क्वेश्चन ये था कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. कुछ भी रेडियस होता है, कुछ भी उसका जो है साइड होता है, अगर पेरीमीटर इक्वल है तो हमेशा सर्कल की रेशियो का एरिया ओवर जो है एरिया ऑफ स्क्वायर हमेशा 154 ओवर 121. अभी तो प्रूफ करके बताया था मैंने, जब हमने ग्रेटर देन वन बोला था. तो क्यों इतना सम, ये छोटे छोटे ट्रिक्स एक जैसे चैप्टर करते हो बुक के ऊपर लिखते जाओ कि जब भी पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर आए आपका टाइम बचेगा. जिस क्वेश्चन में अड़ोगे उसको टाइम ज्यादा दे सकते हो अगर आपके दिमाग में ये याद. क्यों जरूरत है पूरा सारा क्वेश्चन करने की? यू हैव टू लर्न ओनली दिस. और ये एनटीएससी में भी हेल्प करते हैं ऐसे क्वेश्चन कि वहां पर कैलकुलेशंस फास्ट करनी होती है. सेम ही तो हमारे बोर्ड एग्जाम में पैटर्न. समझ आई मेरी बात? ओके जी, चलिए नाउ बेटा, एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर. मेरे पास जो है स्क्वायर के अंदर सर्कल है ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, यानी डायामीटर इसका क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, और मुझे निकालना था एरिया ऑफ सर्कल. निकल आ गए. बेटा इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या? अंदर. अब आपको पहले क्या दिया है, एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब, सर्कल ही अंदर इंस्क्राइब किया ना, तो सर्कल ही अंदर इंस्क्राइब किया मैंने. अगर होता फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड द स्क्वायर, तो सर्कल बाहर स्क्वायर अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड बोला ना, बात तो पहले की कर रही हूं मैं सर्कल की. अगर होता फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइब
द सर्कल स्क्वायर बाहर सर्कल अंदर फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब तो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ओके बेटा, नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल हूज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल ऑफ रेडियस मेरे पास तो है दैट इज 24 एंड 7 हूज एरिया ऑफ टू सर्कल जो है। हाँ जी क्लियर कट क्या करेंगे, डायमीटर निकालना है। अगर एरिया जो है वो इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एरियाज है तो हमने ये तो किया है ना मेरे पास कि एरिया का स्क्वायर और इधर एरिया का स्क्वायर ये आर स्क्वायर के इक्वल होता है यानी अंडर रूट हो गया। तो हमने क्या निकालना, टू आर जो आंसर आएगा उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो है ना। सिर्फ ये इसीलिए बताया, आंसर में रेडियस वाला आंसर भी होगा डायमीटर वाला भी होगा, बहुत सारे बच्चे टू से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना ध्यान से, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, क्योंकि पेपर में ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। गिव रीजन फॉर योर जो है फॉर योर सपोर्ट, अब ये एमसीक्यू फॉर्म में ही आ सकता है, कुछ आना तो एमसीक्यू फॉर्म में ही है ना सारा कुछ। उसने किया क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल मेरे पास उसने कहा है। सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड के साथ जो एंगल निकालना, ओ एरिया निकालना। अब उसने कहा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। उसने कहा है कि अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दूं माइनस, तो यही बचेगा दैट इज ट्रू। ठीक है जी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया हुआ है, आप बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज रिटन इन द फिगर, इन द फिगर बेटा सर्कल इज इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल बिल्कुल जी ये दिया हुआ है। इन द केस ऑफ मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल विल हैव टू बी एडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। उसने अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंड अनदर सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ स्क्वायर जो है दैट इज drawn in the figure, is it true to say that area of the outer circle is 2 times the area of the inner circle? Give reason to justify your answer. वो कहता है कि area of the outer circle is 2 times the area of the inner circle. अगर ये true है ना तो आपको ये result याद रखना है, that can be helpful to calculate इन द एग्जाम। नहीं है, हम चेक करें एक बार, लेट अस चेक। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि नो, आपने प्रूफ नहीं किया। मेरे पास इसका डायामीटर 5 है। आप बेटा देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये साइड 5, ये बड़े सर्कल का डायामीटर है। हाँ जी ये कितना होगा, 25 + 25 50, रूट 50 इसका डायामीटर है ना, रूट 50 का
जो है सॉल्व कर ले तो 5√2, रेडियस कितना हो गया 5/2√2। अब बड़े सर्कल का एरिया देखें, 5r² × 2 यानी पाई 25/2। मैंने स्मार्टनेस खेली, मैंने पाई की वैल्यू पुट नहीं की, मुझे पता रेशियो लूंगी तो कटिंग हो जाएगी। ये बड़े सर्कल का है, अब मैं स्मॉल सर्कल का देखूं, अगर मेरे पास पाई, वहां आर कितना था 5/2, है ना, चलो 5/2² यानी पाई r² / 4। दोनों को डिवाइड करें, जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगी, एरिया बिगर बाय एरिया स्मॉलर, एक ही बात है। मैंने तो सिर्फ शो करना बेटा, आ गया 2 times, तो दैट मींस ये रिजल्ट अब आपने लर्न करना है कि एरिया, अगर हम एक सर्कल का लेते हैं जो कि क्या नहीं समझ आया कौन सा बेटा जी, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, दिस इज 90, स्क्वायर के कॉर्नर एंगल 90 होते हैं, ये साइड 5 दी है, ये 5 दी है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 + 25 √50, √50 के फैक्टर्स बना लिए, 5 × 5 × 2, 5 क्या आ गया बाहर 5√2, वो डायमीटर था, मुझे क्या चाहिए 5/2√2। ओके दक्ष पता चल गया, चलिए अब ऐसे ही बेटा हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को असर्शन रीजनिंग में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आज मैं पूरे चैप्टर की अलग अलग बुक से असाइनमेंट सेंड कर दूंगी, क्वेश्चन सेम भी होंगे बट ये नहीं देखना, मैंने सब में से कर देनी। ओके क्लियर, यस विषम।